गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे 1447 पत्रांक संख्या 22 जुलाई, मतलब आज का ये नोटिस है हमारा SBTE बिहार के द्वारा। आज का ये नोटिस है, क्या है इस नोटिस में, हम लोग उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा एक लिंक दिया हुआ रहेगा, लिंक ट्री नाम से, उससे हमसे आप कहीं पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो है आप लोगों को भेजा गया है, सभी कॉलेजेस में भेजा गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वुमेन पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो प्राइवेट पॉलिटेक्निक हो, ये सभी जगह भेजा गया है। तो इसमें कि क्लियर कर दिया गया है किनका किनका पहले एग्जाम होना है, पहले ये डिस्कस कर जाओ। पहले तो ये देखो, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जो फर्स्ट और सेकेंड में, फर्स्ट और सेकेंड में बैक बैकलॉग या कैरी वाले बच्चा होंगे, बैकलॉग या कैरी वाले बच्चा होंगे उनका भी एग्जाम होगा। तीसरा, थर्ड सेम एली का एग्जाम होगा, फोर्थ सेम रेगुलर बैच का एग्जाम होगा, ठीक है, फिफ्थ एली का एग्जाम होगा और सिक्स्थ एग्जाम होगा। मतलब इस बार फर्स्ट से लेके सिक्स सेमेस्टर का सारे का एग्जाम होना है, और कब होना है तो सितंबर 2021 में होना निश्चित कर दिया गया है, संभावित कर दिया गया है। एक पॉइंट में नोटिस कराऊंगा, संभावित, ठीक है, संभावित किया गया है सितंबर 2021। 20 सितंबर का डेट लिया गया है यहाँ पर, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी यहाँ पर हमारे सेमेस्टर थे उनका एग्जाम, डिप्लोमा का एग्जाम 20/9/2021 से, मतलब आज से अप्रोक्स 2 महीना बाद से ऑफलाइन, ये ध्यान देना है, ऑफलाइन बोला गया है यहाँ पर, ऑफलाइन मोड में संभावित है, ठीक है। और इनका जो भी कार्यक्रम होगा वो बाद में घोषित किया जाएगा। आप ये पॉइंट पे भी नोटिस करना है कि ये संभावित कहा गया है। आप लोगों को अपना एग्जाम का तैयारी करते रहना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम हो या नहीं हो अपना तैयारी बहुत ही अच्छा रखना है, क्योंकि आज ने कल आपको ये नॉलेज काम देने वाला है, ठीक है। इसलिए अपना तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर एग्जाम 20/9/2021 से होता है तो आप अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट से आपका ना छूटे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से आते हो, ठीक है। ये 22 जुलाई का ये ऑफिशियल नोटिस है। ये जो पत्रांक संख्या है 14/14/7 है, ठीक है, 47 है। इसके अलावा एक और पत्रांक आया है 14/14/8, इसको लेके हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, इसके बारे में एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसका थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। इससे पहले आप लोगों से मैं डिस्कस कर लूं, ये जो एग्जाम का डेट दिया गया है ये संभावित कहा गया है, ठीक है। ये एग्जाम का डेट 2 महीना पहले आज ही क्यों निकाला गया, इसके बारे में अगर हमसे कोई पूछा जाए तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि बच्चे को पढ़ाई के लेके आकर्षित करना, कि बच्चे अपने पढ़ाई जारी रखे, उसको लेके उन्होंने आकर्षित करते हुए अभी ही डेट फाइनलाइज कर दिया है कि बच्चे जो बहुत सारे, जैसे बच्चे प्रमोद के मांग कर रहे थे, हम लोग कुछ यूट्यूबर भी मांग कर रहे थे और कुछ कोचिंग संस्था भी मांग कर रहे थे, उसको लेते हुए शायद कि बच्चे पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो जाए, मेरे ओपिनियन से उन्होंने इस कारण से आज ही ये नोटिस निकाला है और पढ़ाई पे बच्चे को जाने को बोला है कि वो पढ़ाई अपना करते रहे। ऑफलाइन मोड में संभावित हो सकती है एग्जाम, संभावित कहा गया है, और इसके जो भी कार्यक्रम होंगे वो आगे घोषित किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग जस्ट थोड़ी देर बाद एक नए अपडेट के साथ, जो कि पत्रांक संख्या 1448 का होगा। उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किन किन बातों को क्या ध्यान रखना है। थैंक यू।